Drop it down like that. Think I'm in a movie, join my cast. Scorsese, get my shots real fast. Get them lights on, show me how you move. When you work that back now. And मद्देनजर रखते हुए हमारी जो माइलेज है वो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ABS की लाइट जल रही है, फ्यूल की लाइट जल रही है एंड इंजन की भी जल गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाइक के टैंक से बात करते हैं। 13-13.5 लीटर का इसका बाइक का टैंक है एंड इसके अंदर आ चुका है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। आप सबको पता है BS6 से स्विच टू फ्यूल इंजेक्शन एंड जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप आवाज़ सुनना एंड जो ये आवाज़ आई है वो आई है हमारे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की जो हमारी बाइक के अंदर प्रेजेंट है, विच टेक्स द फ्यूल थ्रू द फ्यूल इंजेक्शन नोजल्स। एंड इस चक्कर में ये बाइक एकदम से बंद नहीं होती है बिकॉज इसके ऊपर कार्बोरेटर बेस नहीं है बल्कि ये रुक रुक के चलती है क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन है इसका। आई विल बी फर्स्ट फ्यूलिंग अप माई बाइक बिकॉज इसकी FI इंजन की जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रही है। जो मेरे को आवाज़ इसकी मशीनरी की मैं आपको सुना रहा था ना शुरू में वो एक्चुअली बढ़ चुकी है एंड बाइक झटके दे रही है ये बंद हो जाएगी। एक बार हम इसके अंदर पेट्रोल डलवा लेते हैं एंड देन उसके बाद डायरेक्ट बताता हूँ मैं आपको इसके हाउ टू गेट द बेस्ट एवरेज एंड ये वीडियो काफ़ी लंबे स्पैन ऑफ टाइम के ऊपर होगी। ओके क्या रेट चल रहा है अभी पेट्रोल? 91 नॉर्मल है ना? हाँ नॉर्मल डाल दो, फुल कर दो। तो जो पेट्रोल है वो भी डलवाए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया एंड इसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया। 91 है इसका प्रेजेंट प्राइस एंड अभी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं है तो इट्स रिकमेंडेड कि आप फुल ही करवा लो क्योंकि फुल में कभी मैंने दिक्कत देखी नहीं है ऐसी। एंड इसमें देखते हैं एक्चुअल फ्यूल कितना आता है क्योंकि मैंने बाइक को इससे ज़्यादा खाली कभी किया भी नहीं है एंड आई ऑल्सो डोंट रिकमेंड कि आप इससे ज़्यादा फ्यूल को कम ना करें। जब इसकी लाइट जल जाए ऑलमोस्ट 3-4 लीटर पे इसकी लाइट जल जाती है, जब इसके अंदर फ्यूल बचा होता है देन फ्यूल अप करवा लो, इससे ज़्यादा कम मत रखो। नहीं तो FI सिस्टम की ऑलमोस्ट 13 लीटर आया है, 12.5 लीटर आया है, बस काफ़ी है, हो गया ऊपर तक। एंड इस इंजन लाइट का भी कुछ करना पड़ेगा। अब इंजन लाइट में एक बार करके दिखाता हूँ आपको, जैसे एक बार ये देखो जली हुई। इसके अंदर पता नहीं कोई ना कोई तो दिक्कत है जिससे क्या होता है अगर मैं बाइक बंद करता हूँ 2-3 बार अगर मैं बाइक बंद करूँगा तो फिर इंजन लाइट चली जाती है। अब देखो जैसे ये ऑन करने पर हमारी आ जाती है, जैसे हम बाइक स्टार्ट करते हैं इसको जाना चाहिए पर ये नहीं जाती। अब देखो 3-4 बार बाइक स्टार्ट करी एंड द इंजन लाइट हैज़ गॉन। अब ये एक प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन है क्योंकि इंजन लाइट वेरियस तरीके होते हैं जिनकी वजह से आती है। करंट ओडो विच इज 350 किलोमीटर वो नोट कर ली है जिसके चक्कर में हम आगे जाकर अपनी प्रॉपर कैलकुलेशन कर पाएंगे अबाउट द फ्यूल। हर किसी का जो राइडिंग स्टाइल होता है, चलाने का तरीका होता है, एक्सेलरेशन ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है पॉइंट टू पॉइंट इन योर फ्यूल एंड इंजन कंप्रेशन रेशियो जिससे माइलेज निकल कर आती है। आई राइड द बाइक क्वाइट फास्ट, आई डोंट राइड रैश। रैश चलाओगे तो ऑब्वियसली आपकी माइलेज नहीं आएगी क्योंकि सडन ब्रेकिंग सडन एक्सेलरेशन वोंट हेल्प यू बट ड्राइविंग फास्ट। एंड सेकेंड चीज़ ये कि लोग पूछते हैं दैट हाउ टू गेट द बेस्ट माइलेज इन क्लासिक 350, इसका भी जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, मैं कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। सो आपको क्या करना पड़ेगा फॉर दिस ग्रेट कंटेंट कमिंग टू यू, यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, सब्सक्राइब विद द बेल आइकन ऑन एंड आगे देखो कैसी कैसी बम वीडियोज़ मैं लेकर आता हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए एंड लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले दिखा देता हूँ आपको गियर्स कैसे शिफ्ट करने हैं एंड आपको अपनी बाइक कैसे चलानी है। अब देखो जैसे मैं बाइक स्लो कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शिफ्टिंग वन गियर डाउन एंड रिलीजिंग द क्लच, आई हैव नॉट अप्लाइड द ब्रेक्स, आई एम ऑन माई फर्स्ट गियर। अब न्यूट्रल पे आ गया, अब मैंने लगाई है ब्रेक। दिस इज कॉल्ड इंजन ब्रेकिंग, दैट व्हाट ऑल आई एम टेलिंग यू गाइज। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी बाइक है स्टार्ट, आपको अपना फर्स्ट गियर डालना है, सॉफ्टली रिलीज योर बाइक एंड एकदम से एक्सेलरेट नहीं करना है। एकदम से एक्सेलरेट करोगे दिस विल डैमेज योर इंजन, योर क्लचेस एंड द स्पेयर। स्पेयर मतलब जो पीछे चेन चल रही है आपकी, जो पीछे स्प्रॉकेट है, जो स्प्रॉकेट है वो डैमेज होगा, लॉन्ग रन में आपके चेन सेट में दिक्कत आएगी ही आएगी। सो आपको क्या करना है, लाइक नाउ आई एम इन सेकेंड गियर, सपोज दिस इज माई फर्स्ट गियर, फर्स्ट गियर पे आए एंड जैसे ही 20 पे पहुंचे तब सेकेंड गियर लगा दिया, सेकेंड गियर से 30 पे पहुंचे इजी एक्सेलरेशन। अब देखो मेरा ये जो है ये 1-2 सेंटीमीटर से ऊपर जा ही नहीं रहा है, इतने में ही इसने 40 की स्पीड पकड़ ली है एंड 40 45 50 आते ही आई विल स्विच टू माई फोर्थ गियर। ओके फोर्थ गियर में अब मैं क्रूज कर रहा हूँ विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स एन आवर इन फोर्थ गियर एंड इसके अंदर माइलेज बेस्ट आएगी, मेरे चेन सेट को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे इंजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड आई विल जस्ट क्रूज वेरी फ्लुएंटली एंड नॉर्मली। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, वेन यू टच 60 और 65 हल्की सी ऊपर लेकर जाओ बाइक, हल्की सी बाइक के अंदर वाइब्रेशन आएगी,
देन फिफ्थ गियर मार दो एंड यू आर रेडी टू क्रूज फ्रॉम 60 to 90 की स्पीड में. 100 एक इस बाइक के लिए एक ओवर एवरेज स्पीड है, 100 एक एवरेज स्पीड नहीं है. इसलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि इसके अंदर 100 की स्पीड पर आप बाइक चलाओ. 80 पे क्रूज करूँ आराम से. एंड ये तो पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर आपको स्पीड अप कैसे करना है, मेंटेन कैसे करनी है एंड इसके अंदर माइलेज कैसे निकालनी है. दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं आकर. दैट सपोज़ ये खाली रोड है, यहाँ पर हम टेस्ट कर लेते हैं एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेट रोड. इस पर हम पकड़ते हैं कुछ 60 की स्पीड. द बाइक इज़ इन फोर्थ गियर. अब यहाँ पे 60 पे आ जाएगी. अब फिफ्थ गियर पे आ गया. व्हाट पीपल डू, अगर यहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल आ गया और मुझे ब्रेक लेनी है तो लोग ये क्लच दबाएंगे एंड दे विल नॉट शिफ्ट डाउन द गियर बट दे विल इंस्टेड कर देंगे अपनी ब्रेक्स को प्रेस. क्लच दबा के ब्रेक प्रेस कर देंगे, गियर डाउन नहीं करेंगे. इसमें मेरा गियर है इस समय फोर्थ पर. अब मैं इसको नीचे करूंगा तो नीचे होएगा ही नहीं. देखो अब अटकने लगे इसके गियर. क्यों अटकने लगे? अब देखो मैं न्यूट्रल पे अब आया हूँ लेकर. दिस इज़ वेरी बैड फॉर योर बाइक्स हेल्थ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको. What you should do for a better mileage and for a better engine quality, just accelerate your bike, maintain a speed. अब ये तीसरे गियर में आ गई है, अब ये चौथे गियर में आ गई है एंड दिस इज द फिफ्थ गियर. ओके नाउ आई एम ऑन 60. हल्की सी ब्रेक प्रेस करो दोनों एंड एक गियर नीचे ले आओ जब आप 40 पे आते हो. थर्ड पे गियर पे आ जाओ तब आप 30 पे आते हो. सेकेंड गियर पे आ जाओ जब आप 20 पे आते हो एंड जब आप 10 से नीचे होते हो तब एकदम से ले आओ आप अपना फर्स्ट गियर. मतलब जिस हिसाब से आप अपने गियर शिफ्ट अप करते हो उसी हिसाब से आप अपने गियर शिफ्ट डाउन करो. इससे क्या होगा, आपकी बाइक के ऊपर ज़रा सा भी लोड नहीं आएगा एंड इंस्टेंट ब्रेकिंग लोगे तो आपके ब्रेक पैड्स भी जल्दी घिसेंगे. एंड अगर आप ऐसे करते हो इंजन ब्रेकिंग, मतलब स्पीड पर हमने अप शिफ्ट किया था उसी स्पीड पर अगर आप डाउन शिफ्ट करोगे आप समझ चुके होंगे जो मैं क्या कहना चाहता हूँ. ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी एंड आपके ब्रेक पैड्स भी साथ साथ कम घिसेंगे. दैट मीन्स यू आर सेविंग अ बिग कॉस्ट बाय यूजिंग दिस स्मॉल टेक्निक. इसलिए टेंशन मत लो, राइड योर बाइक फ्रीली safely and do wear helmet यार. बाकी आपके कोई भी questions है give me in the description box below. आपका भाई बैठा है जवाब देने के लिए. So far the bike is performing absolutely great. There is no problem at all in the bike. एंड मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो आपको लगेंगी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड आपके काम भी आएंगी. माइलेज की जैसा आपने देखा है इसके अंदर कितना फ्यूल आया, कितने का आया एंड इसको टिप्स क्या होती है मेंटेन करने की. अनदर डे अनदर वीडियो एंड अ वेरी स्पेशल वीडियो, डिमांडेड वीडियो एंड यू कैन से अ वेरी ग्रेट वीडियो इन हिस्ट्री, जहां पर सब जानना चाहते हैं इस बाइक की एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी या फिर कह लो इसको कितना देती है. देती तो ये मेरे को भी नहीं पता है कितना है. आपके साथ आपके लिए टेस्ट कर रहा हूँ. 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं. आप सबकी मदद से हो जाएंगे बहुत आराम से, देर इज़ नो डाउट. आप करा दोगे, आपने इतने सारे शॉट्स देखे, इतनी सारी टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर कर पाया. दैट माइलेज दैट आई विल बी गेटिंग दिस बाइक विल बी कैलकुलेटेड इन अ ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पर मैं एक बॉटल लेकर टेस्ट नहीं करने वाला हूँ बिकॉज मेरा इतना लंबा कोई चक्कर नहीं लगने वाला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि जब आप एक बॉटल लेकर एक लीटर फ्यूल में उसको टेस्ट करते हो तब आपका पर्पस वही रहता है कि बस उस फ्यूल को ख़त्म किया जाए. एग्जैक्ट होगा कितना नहीं होगा ये मेरे को नहीं पता. मैं इस चीज़ को टेस्ट इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं देखूँ कि बाइक खड़े खड़े में कितना फ्यूल जाता है बाइक को जब मैं स्टार्ट करता हूँ. क्योंकि जब आप एक बार एक बॉटल फ्यूल डालोगे उसके अंदर तो फिर वो एक बारी में कम्बस्ट कर देगा उसको. इसमें ये नहीं समझ आएगा कि आपने बाइक कितनी बार स्टार्ट करी, आप इंजन पे कितने, आप रेड लाइट में कितनी बार रुके, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट ही नहीं होती हैं बीच में. तो फिर मैंने इसको करा दिया है टैंक फुल. एक्चुअल माइलेज इसलिए निकालना चाहता हूँ ताकि आप सब व्यूअर्स को एकदम कड़कदार कंटेंट मिले एंड देखने को मिले दैट हाउ एग्जैक्ट द एवरेज ऑफ दिस बाइक इज़ अकॉर्डिंग टू माई राइडिंग स्टाइल विच वुड बी डिसेंट. इस जो ये वाली फ्यूल कैटेगरी होगी उसके अंदर मैं इसका राइडिंग स्टाइल बहुत डिसेंट रखने वाला हूँ. मैं इसको ज़्यादा तेज़ नहीं चलाऊँगा, मैं रेड लाइट पे ऑफ करूँगा इंजन को एंड आई विल ब्रिंग लेस स्ट्रेस टू द इंजन ताकि फ्यूल भी कम बर्न हो एंड मेरी बाइक जो है वो धूप में भी खड़ी नहीं होती, वैसे भी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है. बस इतना ही है इसको लेकर. साथ ही साथ मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरी आइडिया स्ट्रैटेजी एंड वीडियो की जो प्लानिंग होती है या जिस तरीके से मैं वीडियो आपको प्रेजेंट करता हूँ वो आपको पसंद आ रहा है, चाहते हो कि मैं कोई चेंज लाऊं या फिर आप चाहते हो मैं कोई अच्छा अपडेट लाऊं चैनल के अंदर, तो वो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो गाइज. साथ ही साथ आप सब लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, कितनी भी एक्सेसरीज लगी हैं जैसे सिमटैक का फ्लैशर है, ये वाइब्रेशन रॉड है, हमारा लेग गार्ड हो गया है, साइड की साइलेंसर की रबर हो गई है, ये हो गया है. इस बाइक के अंदर आपको जितनी भी एक्सेसरीज दिख रही हैं, चाहे ये मीटर कवर, नट कवर एंड द ओडोमीटर कवर, हेडलाइट की जाली, इंक्लूडिंग ऑल स्मॉल एक्सेसरीज एंड दिस थिंग ऑल्सो,
the brake fluid reservoir cover. So we have started a startup जहाँ पर हम ये सारी accessories, whether it is any bike of Royal Enfield, we are providing to you all in a very competitive price and offer which you are getting from the market and from Amazon, whether it is any e-commerce website or any retailer anywhere. If you are in Delhi or in Pan India, हम वो चीज़ आप तक deliver करेंगे. आपको करना क्या है, this is my WhatsApp number and this is my store's Instagram handle. आप जैसे जैसे हमको कॉन्टैक्ट करोगे, हम उस पर प्रोडक्ट्स कैटेगराइज एंड कैटलॉग्ड करते रहेंगे. एंड अपने बिजनेस को प्रमोट करना कोई बुरी बात तो है नहीं. एंड अब एक काम करते हैं, जब भी इसका फ्यूल कम होता है तब आपसे मिलता हूँ, तब मैं आपसे एग्जैक्ट फिगर्स क्रॉस चेक कर पाऊंगा एंड नोट कर पाएंगे कि ये माइलेज कितना देती है. Another shot now, baby, make it two. Just another wild night, I give you the blues. Let me take you to another room, ayy. Just a sort of nightlife, I like, ooh. Looking at the side like, it's a lot of booze. I don't wanna buy Stein, give me all the juice. Need a lap dance now, give me Belvy or the goose. Where the drinks at now, give me Belvy or the goose. Now sway. You all have watched that how I came up with the mileage test, जिसके अंदर मैंने अपना full tank किया and boy oh boy, I was not expecting this kind of mileage from this bike. हिसाब से चलाओगे, प्यार से चलाओगे, red light पे off करोगे, जो मैं करता था off, मैंने सारे precautions लिए हैं, बस मैंने तेज़ चलाई है, मतलब आई राइड द बाइक फास्ट, तो इस चक्कर में मेरी एवरेज नहीं निकल कर आई इतनी ज़्यादा. पर आपकी 40 प्लस आ सकती है भाई साहब. लेकिन अब जो आने वाली डिस्कशन है, कन्वर्सेशन है, वो ध्यान से सुनना एंड मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करना. This is classic 350 stealth black BS6. आपको याद हो कि लास्ट फ्यूलिंग मैंने कब कराई थी? That was 25th of February 2021 को मैंने इसका टैंक फुल करा दिया था. तो इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली आया था 12.45 लीटर ऑफ पेट्रोल एंड उसके अंदर मैंने कोई एडिटिव नहीं डलवाया था, कोई कुछ नहीं डलवाया. एंड इसके अंदर जो मेरी माइलेज है वो अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ कि वो कितनी निकल कर आई है एंड ये बाइक कितना देती है नॉर्मल पेट्रोल के अंदर. नॉट इसके अंदर कोई भी परफॉर्मेंस पेट्रोल नहीं डाला है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पेट्रोल है. तो गाइस, टू गेट द एक्यूरेट माइलेज, व्हाट वी ऑल विल डू इज, जैसे 25 ऑफ फरवरी को मैंने अपना 12.47 लीटर्स ऑफ पेट्रोल डलवाया था, वो उस टाइम पर मैंने फुल किया था. उसी पेट्रोल के अंदर क्या पता थोड़ा सा और हो टैंक के अंदर, ना हो, तो इस चक्कर के चलते मैंने क्या किया है दैट अभी बाइक का पेट्रोल टैंक खाली होने के बाद मैंने इसको फुल कराया है. मतलब 25 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक मेरा इसका टैंक फुल हुआ है. इसके अंदर जो अब फ्यूल मैंने वापस रिफ्यूल कराया है वो डाला है इसके अंदर 12.75 लीटर, 12 लीटर 75 मिलीलीटर, मतलब ऑलमोस्ट 13 लीटर का 250 ml रह गया. 21-29 किलोमीटर्स. अब क्या करते हैं, नाउ वी विल कैलकुलेट द माइलेज. अब हम टोटल किलोमीटर्स देखते हैं. जैसे 21-29 किलोमीटर्स ये अब तक बाइक चली है. लास्ट फ्यूल अप पे थी ये 1650 किलोमीटर्स, मतलब इसमें से माइनस करेंगे हम 1650 किलोमीटर, टोटल निकल के आए 479 किलोमीटर्स. तो जो टोटल किलोमीटर्स बाइक चली है दैट इज 479 किलोमीटर्स इन कंप्लीट 12.75 लीटर्स टैंक. मतलब पिछली बार जो फ्यूल भराया था उससे लेके अब तक मैंने 479 किलोमीटर्स बर्न कर दिया. एंड उसके अंदर जब मैंने कंप्लीट फ्यूल वापस रिफ्यूल किया तो उसके अंदर आए हमारे 479 किलोमीटर्स इन कंप्लीट टैंक. सो नाउ वी हैव रिफ्यूल्ड आवर टैंक एंड उसके अंदर कंप्लीट पेट्रोल आया है दैट इज 12.75 लीटर्स. नाउ वी विल डिवाइड 479 बाय 12.75. दैट कुड बी डिवाइड बाय 12.75. आई एम प्रीटी श्योर आप सबने वो माइलेज निकाल ली होगी. एंड लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ मैंने इस बाइक को क्यों के और कैसे टेस्ट किया है कि आप मेरी माइलेज ऐसी आई है. शहर का मंदा जहाँ पर ट्रैफिक रहता है, जहाँ पर रेड लाइट्स खूब सारी होती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा अच्छी नहीं होती, बाइक को इंटेक भी तो अच्छा चाहिए होता, तभी तो माइलेज वो अच्छी निकालेगी. तो ये चलते कि मेरे बाइक को इतना सब कुछ अच्छा नहीं मिला, लेकिन मेरी जो सर्विस थी वो थी डन. मेरी सिर्फ आज तक बाइक की एक सर्विस हुई है, दैट इज़ द फर्स्ट सर्विस ऑफ क्लासिक 350. जरूर बता दूँ कि इसकी जो माइलेज है उसको मैंने ना मैंने ये सोच के चलाई है बाइक की मेरे को इसकी माइलेज निकालनी है, ना मैंने सोच के बचाई है कि मेरे को एकदम ख़त्म करना है. मैंने अपना जो नॉर्मल राइडिंग स्टाइल है वो मेंटेन किया, क्योंकि मैं स्पीड जो है वो रखता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 60-80 किलोमीटर पर
आर की स्पीड से, मतलब मैं एकदम से बाइक नहीं उठाता, मैं एकदम से स्लो नहीं करता, मतलब मैं आराम से 80 तक ले जाता, मैं आराम से 80 से नीचे लाता हूँ। एंड गियर शिफ्टिंग का हर चीज़ का मैंने आपको शुरू में बता दिया था, 15 से 20 दिनों का टाइम स्पैन था इसके अंदर। मैं बहुत सारी फैक्टर्स से बाइक जाती है, मतलब दिल्ली के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर होता क्या है कि हमारा जो फ्यूल इवेपोरेशन है वो हर बाइक के अंदर कुछ परसेंटेज तक होता है, तो फिर फ्यूल इवेपोरेशन की दिक्कत। ट्रैफिक पर हमारी माइलेज निकल कर आई है, दैट इज़ 37.5 किलोमीटर्स पर लीटर इन नॉर्मल फ्यूल इन सिटी। अगर आप हाईवे राइडिंग करोगे तो आई एम प्रिटी श्योर दिस कुड गो अप टू 41 और 42, क्योंकि ये एक बुलेट से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है माइलेज। क्योंकि जब मैंने राइड करनी शुरू करी थी, दैट मेरे को शुरू के जो किलोमीटर्स हैं, मतलब 500 टू 1000 किलोमीटर्स, उसके अंदर मुझे जो माइलेज मिली थी, दैट वाज अराउंड 26, मैक्सिमम 26, क्योंकि लोग कहते थे दैट वी आर गेटिंग 30-40। मैं कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को नहीं मिल रही तो मैं मिल रही है, मैं तो बड़े आराम से चलाता हूँ। पर उसके बाद माइलेज स्टेबल हो गई है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है वो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ, एंड इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि इसके अंदर मैंने कंप्लीट फुल टैंक में आपको रिव्यू दिया है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पर आपके हर सवाल का जवाब वहाँ मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली 10,000 की रोड पर है अभी हम, 10K सब्सक्राइबर्स की रोड पर हैं। आई एम प्रिटी श्योर आप 10,000 सब्सक्राइबर्स इस वीडियो से करवा ही दोगे, एंड वीडियो को लाइक करके ही जाओगे, एंड शेयर तो कर ही देते हो आप सब। सपोर्ट आप सबका हमेशा से है, बस एक माइलस्टोन हमारा टच हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमारी विजन जो अपना जो विजन है वो काफ़ी आगे तक का है, एंड आप सबके साथ वो पॉसिबल होगा। एंड आई ऑल्सो वांट टेल यू दैट कि अगर आपके दिमाग में या फिर आपकी जो क्रिएटिविटी है उसके अंदर कोई ऐसा टॉपिक बना पड़ा है कि आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए, एंड दैट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ऑन द यूट्यूब, एंड यू कैन कमेंट मी डाउन, क्योंकि उस टॉपिक के ऊपर मैं ज़रूर वीडियो कवर करूँगा। एंड अगर वो टॉपिक जो है वो बाकी लोगों को हेल्पफुल हुआ तो वाई नॉट द वर्ल्ड सी योर टॉपिक। एंड ऑब्वियसली आपका भाई है यार, अच्छा हटके बनाएंगे, ये जो वीडियो है ये हटके बनाइए, तभी तो यार हटके आप सबसे प्यार मिलता है। तो आई होप आप सबको ये जो वीडियो है वो पसंद आई हो, एंड मेरी तरफ से कोई कमी छूटी ना हो, क्योंकि एक लंबी वीडियो थी ना, पिछले 15 दिनों की टेस्टिंग के ऊपर वीडियो थी, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं। और अपनी वीडियो एंड करता हूँ यहाँ पर, सब्सक्राइब कर देना एंड फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, चलते हैं, बाय बाय एंड बी हैप्पी यार, ठीक है।